गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा चार का मैथ, और मैथ के अंदर आपको ये चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार पेन डिब्बे दिए गए हैं, ये इनसे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं आज। आप मेरे साथ देखते रहिए और सोच कर आपको बताना है। क्या बताना है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एक पेन दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर 10 पेनों का एक डिब्बा है। यहां पर एक डिब्बा बनाया है और इस डिब्बे के अंदर ऐसे ऐसे कितने पेन हैं, 10 पेन हैं। ठीक है, यहां पर 10 पेनों का ये एक डिब्बा है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैंने बनाया है, एक बड़ा डिब्बा है ये, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 पैकेट है, जो ऐसे ऐसे पैकेट है ये वाले, ऐसे ऐसे 10 पैकेट का ये एक बड़ा डिब्बा है। ठीक है, तो हम इनसे अब सवाल निकालेंगे ये इंटरेस्टिंग तरीके से, देखते हैं क्या है वो। यहां पर देखिए आप, यहां पर 10 पैकेट है। क्लियर है, एक पैकेट में कितने पेन है, 10 है, और इस जो बड़ा डिब्बा है इसके अंदर ऐसे ऐसे कितने पैकेट है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर 10 पैकेट है। तो इसके अंदर हम यहां पर देखें इसको, अब आप ध्यान में रखते हुए जो हम आगे के सवाल को करते हैं, कैसे करना है देखिए। यहां पर पेन हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, काउंट करें आप मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर 9 पेन्स है हमारे। क्लियर है। अब यहां पर देखिए जो ये हमारे पास पैकेट थे वो कितने हैं, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पर 9 पैकेट्स हैं। कितने पैकेट्स हैं, 9। अगर हम यहां पर देखें पेनों के पैकेट कितने हैं हमारे पास, 9। तो पेन कितने हुए, तो हमें बताना है। यहां पर जैसे मैंने ऊपर बताया था पेनों का एक डिब्बा है, और इस डिब्बे के अंदर एक पैकेट में कितने पेन हैं, 10, 10 इसके अंदर पेन है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे 9 पैकेट है ये, और इनके अंदर हर पैकेट के अंदर कितने पेन हैं, 10। तो 10 इसके अंदर है, तो नेक्स्ट में भी कितने होंगे, 10 ही है ना, यस। तो 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10, 10, हर पैकेट में कितने पेन हैं, 10 पैकेट, 10 पेन हैं। तो हम यहां पर देखेंगे 9 जो हमारे पैकेट है, तो इनमें कुल पेन कितने हुए, काउंट करें, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 10 80, 80 और 10 90। तो कितने पेन हुए यहाँ पे, टोटल इस इन बॉक्स के अंदर कितने पेन हुए, 90 पेन हो गए हमारे। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो 9 पैकेट थे और उनके अंदर टोटल कितने पेन हुए, 90। ठीक है, 90 पेन तो ये हो गए हमारे, और 9 पेन हमारे ये इधर खुले रखे हैं। ठीक है, अब इधर आ जाए हम, यहाँ पर देखो मैंने बॉक्स बनाए हैं, और ये बॉक्स जो है ये बड़े वाले बॉक्स है इसके जैसे। ठीक है, जो ये 10 पैकेट का एक डिब्बा था, ऐसे ऐसे इसके अंदर 10 पैकेट थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऐसे ऐसे इसके अंदर, तो हमारे पास देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे बड़े बड़े हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्स हैं। अब हम देखते हैं, तो अगर ये 9 बड़े बॉक्स हैं तो इनके अंदर कितने ऐसे ऐसे पैकेट हुए, टोटल पैकेट कितने हुए देखते हैं। एक पैकेट में कितने थे, 10, तो इसमें भी कितने हैं, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 और 10। टोटल कितने पैकेट हैं, बड़े डिब्बे कितने हैं,
दस, दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी 90, तो पैकेट कितने हुए? 90 पैकेट हो गए, क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर यहां पर 90 पैकेट है और एक पैकेट में कितने पेन थे, एक पैकेट में कितने पेन थे? 10, तो 90 पैकेट के अंदर कितने पेन हुए बताएं? क्या करना पड़ेगा हमें? एक पैकेट में अगर 10 पेन है तो 90 में कितना हुआ? तो हम 90 को 10 से गुना कर देंगे क्योंकि वो उसका उतना ही गुना है, ठीक है? तो 90 गुना 10 कितना हुआ हमारा? 10 जीरो जीरो, 10 नीमे 90, तो 900 पेन इनके अंदर, कुल 900 पेन हो गए। अब 900 पेन यहां पर है, 90 पेन यहां पर थे और 9 पेन यहां पर थे, तो यहां पूछा गया है तो कुल पेन कितने हुए? तो क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे इनको। 900 जमा 90 जमा 9, जोड़ के देखें कितना आया है। 900 जमा 90 जमा 9, तो यहां पर कुल पेन कितने हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।